तो आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जिसका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है और काफी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाला है। और इस वीडियो को आप देख के कुछ आप गिफ्ट भी पा सकते हैं, वो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कैसे आप गिफ्ट स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन और एयरडॉप्स जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस वीडियो को हमारे चैनल पे जितने भी जीके क्वेश्चंस हैं उसे आप देख के एक अच्छा गिफ्ट पा सकते हैं, क्वेश्चंस का जो आंसर रहेगा उसे देकर। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल, और दूसरा है 15 मार्च, और तीसरा है 1 जनवरी, और चौथा है 15 जून। तो आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप कमेंट करोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा और मैं आपके कमेंट को लाइक भी करूंगा और इसमें पिन भी करूंगा कि आपने सही कमेंट किया है। ठीक, तो आप प्लीज कमेंट करें। तो हमारा इसका राइट आंसर है 14 अप्रैल को, जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने संविधान लिखा था। आप हर कोई भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है अम्बेडकर बाबा को, तो अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। क्वेश्चंस काफी भी पूछा भी जाता है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ए हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा बिहार। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कोलिस्टन क्या है? हाल ही में खबरों में रहा, ये न्यूज चैनलों में इसका काफी चर्चा किया गया, तो कोलिस्टन क्या है? तो ए एंटीबायोटिक दवा है, शहर का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये एक एंटीबायोटिक दवा थी, ये काफी अभी चर्चे में रहा, खबरों में रहा कोलिस्टन, ये एंटीबायोटिक एक दवा है। ठीक, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफी क्वेश्चंस फ्रेंड पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्लीज आप नोट करते रहिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। हाल ही में मेरा एक अभी वेब आएगा, ब्लॉग भी आएगा, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे, जिससे आप वेब पेज पे जाके इस हमारे क्वेश्चंस को देख पाएंगे और वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन हिमाचल दिवस, दूसरा योग दिवस, तीसरा कला दिवस, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल दिवस। ठीक, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस देश में सबसे ज्यादा जंगल में आग लगती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा आग किस देश में लगती है। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ब्राजील, दूसरा भारत, तीसरा जापान, और चौथा इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा आग ब्राजील में लगता है, सबसे ज्यादा आग 2023-2022 की गणना के अनुसार सबसे ज्यादा जंगल में आग ब्राजील में लगा है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस देश में आग लगने से 18,000 गायों की मौत हो गई? 18,000 गायों की मौत हो गई। पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा चीन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जो फ्रेंड अमेरिका है। अमेरिका में आग लगने से 18,000 गायों की मौत हो गई, इनमें से एक गाय की कीमत 5 लाख रुपए थी। तो आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं वहां पे आपको दे दूंगा इसका कितना, एक गाय की कीमत कितनी थी। ठीक, चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में
विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो पहला ऑप्शन 15 अप्रैल, दूसरा 1 जनवरी और तीसरा 25 मार्च और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। किस देश में यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इंटीग्रिटी लॉन्च किया गया? ठीक, किस देश में यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इंटीग्रिटी लॉन्च किया गया? तो पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा भारत। तो आप जानते हैं रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक, और इसको यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला ये अमेरिका है, और चीन अभी अपने रूस को सपोर्ट कर रहा है, भारत किसी को अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका, अमेरिका इसका राइट आंसर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हे फीवर किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन जापान, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। जैसे कोरोना किस देश से संबंधित था पहले, तो ये चीन से संबंधित था। ठीक, ये है फीवर, ये फीवर जापान, ठीक, इसका राइट आंसर है जापान। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर साल, ये क्वेश्चन काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 10 अप्रैल, दूसरा 5 जुलाई, सातवां तीसरा 7 फरवरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 10 अप्रैल को। ठीक, 10 अप्रैल को आपको हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, जिसे आप अच्छे से एक बार नोट डाउन करिए, आप रिपीट करके भी देख लीजिए। आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, मैं उस आंसर को देखूंगा इंटरनेट पे इसका राइट आंसर क्या है। ठीक, तो अब हम आपको बताते हैं कैसे आप एक स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच या एयरडॉप्स एक वीडियो देख के विन कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप इस वीडियो को देखेंगे, हमारे चैनल पे मैक्सिमम अभी 65,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल पे 80,000 सब्सक्राइबर जिस दिन पूरे हो जाएंगे। और आप लोग, मैं आपको एक वेब पेज का लिंक दूंगा जिसपे आपको हमारे वीडियो में जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आप उसमें राइट आंसर देते हो, जो सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर देगा, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको करेक्ट आंसर आप देंगे उसे विनर घोषित किया जाएगा, और आपको वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगी। जो फर्स्ट आएगा उसे स्मार्टफोन, और जो सेकंड आएगा उसे स्मार्ट वॉच, और जो थर्ड आएगा उसे एयरड्रॉप्स मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा विनर प्राइज था। तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लास्ट तक जो देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और दोस्तों को भी बताएं कि आप ऐसे विनर हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए।